शासन की तरफ से ये फरमान छात्रों को सुनाया गया है। आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य आरक्षा अधिकारी की तरफ से जारी आदेश के बाद छात्रों के निशाने पर VHU के VC हैं। VHU में होली मनाना बैन हो गया है इस बार, वाराणसी से ये खबर है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से छात्रों को ये फरमान जारी हुआ है। हालांकि अभी तक इस फरमान के बारे में विश्वविद्यालय की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से ये फरमान जारी हुआ है उसके बाद छात्रों में नाराजगी जरूर है और इस फैसले पर बहुत सारे सवाल वहाँ के छात्र छात्राएं उठा रहे हैं। रोहित जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, होली को बैन कर दिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, ये फरमान जारी किया गया है, जरा बताइए कि इस पूरे फरमान में है क्या, क्यों बैन किया गया इसे? लेकिन निश्चित रूप से विश्वविद्यालय जो है इस तरीके के तुगलकी फरमान लगातार जारी करता रहा है। कोई भी धार्मिक आयोजन जो है वो इस तरीके से फरमान जारी कर रहा है जैसे लग रहा है एक पक्षी हो रहा है। एक तरफ वाइस चांसलर जो है वो ईद के अवसर पे मुस्लिम छात्रों के पास को जाते हैं और बाकायदे सेवैयां खाने जाते हैं, जो अफ्तारी है उसमें जाते हैं, लेकिन जब हिंदू छात्र कहीं कोई आयोजन करते हैं तो उन्हें बैन कर दिया जाता है। और छात्रों का यही आक्रोश है कि नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय लेकिन यहाँ के छात्र जो है अपने तीज त्यौहार नहीं मना सकते। ताजा मामला और विवाद ले लिया है जब चार दिन पहले एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो एक नोटिफिकेशन आया है उसमें विश्वविद्यालय परिसर में सार्वजनिक स्थानों पे होली खेलने का लिए मना कर दिया गया, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए हैं और इस घटना के विरोध में छात्रों ने इस बार जमके होली खेली। पहले तो सार्वजनिक स्थानों पर कम होली खेली जाती थी लेकिन छात्रों ने एक प्रकार से चुनौती के रूप में ले लिया और खुलेआम चुनौती दे डाली कि विश्वविद्यालय प्रशासन को जो करना हो करे, हम देखेंगे। और लगातार जो छात्र है परिसर में जमा 100-150 की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने होली खेली भी, ये बात अलग है कि अपनी रोहित अगर हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं पर बात करें, उन घटनाक्रमों पर बात करें तो ऐसे तमाम मामले आ चुके हैं जो गतिरोध देखने को मिला है छात्रों और वाइस चांसलर के बीच में। फिलहाल इन गतिरोधों को कैसे दूर किया जाएगा ये अभी भी बना हुआ है। आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए।